गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बहुत सुंदर, दूर दूर। तो ये दोनों दुर्गा और ये काल ब्रह्म जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तो उनके संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है, तो वो वहां रहते हुए जैसा उनका स्वभाव रहेगा वैसा ही बच्चे का स्वभाव बनेगा, तो रजोगुण युक्त बन जाता, उसका नाम ब्रह्म रख देते। जब ये सतोगुण प्रधान में रहते हैं तो उसको बेहोश कर देते, उस बालक को जब वो थोड़ा सा जानने योग्य होना होने लगता है तुरंत बेहोश कर देते। फिर ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है, उसको भी बेहोश कर देते हैं और कोमा में प्रवेश जारी रखते हैं। ऐसे जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं इनके संयोग से और ये ऐसा ही रूप बना लेता है वहाँ पर, जैसे सतोगुण प्रधान क्षेत्र में विष्णु जैसा और रजोगुण प्रधान में ये कई मुंह बना लेता है ब्रह्मा जैसा, और तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये शिवजी जैसी वेशभूषा बनाकर रहता है, और उस उन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो शिव तमोगुण युक्त हो जाता है। तो इन तीनों को बेहोश कर देते हैं, ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेष नाग की सैया पर और कैलाश पर्वत पर इस शिव जी को, फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। फिर दुर्गा सामने आती है, ऊपर आकाश में खड़ी दिखाई देती है। तो दुर्गा कहती है कि पुत्रों तुम तीनों अपना अपना कार्य करो, ब्रह्मा जी जीव उत्पत्ति करेगा, विष्णु सतीथि और शंकर संहार करेगा। तब इन्होंने कहा कि कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती माता, हम कैसे सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य करें। तब इस बात को सुनकर देवी मुस्कुराई, उसने इतने में आकाश से एक विमान आया, इन तीनों को विमान में बैठाया और कहा कि अब तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूँ, अपनी शक्ति से आसमान में उस विमान को उड़ा दिया। अब इससे आज्ञा पढ़िए, स्वयं देखिएगा। हम यहाँ पढ़ रहे थे वही रुद्र भी प्रकट हो गए, हम तीनों ने भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए दुर्गा के, उन्हें देखकर हम मनमुग्ध हो गया, हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी, देवी ने कहा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ, सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्याशक्ति यानी दुर्गा की वह वाणी बड़ी मधुर सुंदर एवं सुखप्रद थी, हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजनकारी आदि कार्य में करने में सफल हों, विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया, तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी वे देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य किया कर लिया। उस रतन जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर था दिखाई पड़ा, अद्भुत चार द्वारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी, उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे महल थे, उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी।
अक्षण भर बाद वही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं यक्ष गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे, नाचते गाते बकवाद कर रहे थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ये पहुंच गया ब्रह्मलोक में। वहां युकाल तीन रूप धारण करे बैठा है। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ओह, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, ब्रह्मा से, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरमे शिखर पर जा पहुंचा। वहां ये काल शिव रूप में बैठा था। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके पांच मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। आगे चल के इस विकार ने दूसरा रूप विष्णु का बना लिया, महाविष्णु, और दुर्गा लक्ष्मी रूप में विराजमान होगी। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम प्री को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे। 4 भुजाएं थी। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चौवर ढुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी देखकर हम सभी भौचक्के से रह गए। हम एक दूसरे से को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान एक मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। वहीं एक मनोहर द्वीप था। उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग पर एक सुंदर रतन जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही थी। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख आदि आदि। ये कोई अप्सरा है? न कोई अप्सरा है, न कोई गंधर्व कन्या एवं देव कन्या ही। नारद यों संदेहग्रत होकर हम लोग वहां रुके रहे। तो भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, यानी अपनी माता है। महाविद्या महामा इन्हीं के नाम है। वे पूर्ण प्रकृति हैं। आगे देखना। अब क्या किया? इस दुर्गा ने काल के आदेश से इन तीनों बच्चों को विमान में बैठा कर ऊपर का नज़ारा दिखा दिया। कदे तो मांडी पाक जाओ कल न, कि हम सर्वेश्वर हैं, तुम्हारी फड़क काट दी। लेकिन फिर भी भूल लाग जाती है। अब क्या किया कि ये वहाँ दुर्गा के लोक में गए।
विष्णु जी को पिछले अपने बचपन की झलक दिखा दी, क्योंकि हमारी सारी जो जितना भी हमारी क्रिया, कितने जन्म के जीवन हैं, कोई हम कार्य किए, सारे हमारे अंदर कोड वर्डों में हमारे अंतःकरण के अंदर फीड हैं। तो विष्णु जी का वो रिमोट से दुर्गा ने अपनी बैकग्राउंड दिखा दी। जब ये छोटा सा बालक था, वट वर्क्स पे एक पालना गाल रखा था, एक झूल, और उस पालने में विष्णु जी बालक रूप जो बचपन में था अंगूठे चूस रहा था। अब देखिएगा ये 120 पृष्ठ पर आ गई हम देवी भागवत के। अब विष्णु जी की जो पिछली यादगार ताज़ा कर दी, सचेत कर दिया, पिछला रिमोट ऑन कर दिया, बैकग्राउंड दिखाई, तो वो कहने लगा ये वे ही दिवांगना हैं जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी, वट वर्ष के पत्थर पे एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं अब पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अब देखना कितनी गहन बात है इसके अंदर। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। आगे देखो 122 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। माता, जब मैं, शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत प्रभाव से अपरिचित है, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भी भवन हैं, तुम्हें वह तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमें इनकी झलक मिली है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देखे। ये अपने सट्टे मारे फिर इसमें। आगे देखो, अब विष्णु जी वही स्तुति करते हुए यहाँ आ जाते हैं कि बालक रूप भी देखा, और कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म और त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यानी तुम हमारी जन्म माता हो, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर हैं। अपुण आत्मा परमात्मा क्या कहा करते थे कि हमने इतना ज्ञान बता दिया इस प्राणी को, इतनी वाणी बोल दी जितना बालू रेत, और इस भोड़ी आत्मा के हमारी बात एक न आई हेत। यानी एक पर भी विश्वास नहीं करते, हमारी जरा सी बातों पर भी विश्वास कर लो तो तुम्हारा कल्याण हम अवश्य करते हैं। क्या कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोए। परमात्मा कहते हैं कि ये आत्माएं तो मुझे ढूंढ रही हैं कि हे भगवान, हमें मिल जाए, हमें सुख मिले, हमारा कष्ट दूर हो, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूँ कि मैं परमात्मा हूँ और तुम मुझे भगवान नहीं मानते, क्योंकि हमारी अज्ञान सोच, इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने इतनी अज्ञानी बना दिया हमारे को कि हम परमात्मा की परिभाषा से कति अपरिचित कर दिए। सभी कहते हैं भगवान निराकार है, निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। मेडिटेशन लावें, मेडिटेशन करते हैं, क्या कर रहे हो, भगवान प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। और थोड़ा गजब हो, जब भगवान निराकार बताओ और फिर उसको ढूंढने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, जैसे शेख फरीद जी
12 वर्ष तक कुएं में लटके, पैर ऊपर न बांध कर वृक्ष के टहनी कर जो नीचे कुएं में चले जाते थे गहरे, और वहाँ उल्टा लटक कर भक्ति करते थे। जब उसने देखा कि भगवान मिला नहीं, 12 वर्ष साधना कर ली, अस्थि पिंड रह गया, कौवे आगे उसके आँख काटने के लिए और शरीर पर मांस रहा कोना, यानी सवा मण अन्न खाया था 12 वर्ष में शेख फरीद जी ने, सवा मण यानी 50 किलो और 12 वर्ष में, तो कितना प्रत्येक हिसाब ला के देख लियो, एक कै ग्राम 10 ग्राम कितना बने 12 वर्ष में। उसके बाद शरीर पर मांस नहीं रहा, कौवे ने आँख काटनी चाहिए थी कि शरीर पर मांस तो है नहीं, तो ये कहकर उसने दोबारा रस्सा फांस के उल्टा लटक गया, ये कहता हुआ कि भाई कौवे मेरी आँख आँख छोड़ दो और शरीर पर जो मांस बचा उसने खा लो, तुम अपना भूख बुझा लो, हो सकता है हम भगवान के दर्शन हो जाए। और यूँ कहकर भी उसने सोचा कि ये कौवे आँखें निकाल लेंगे, भगवान मुझे मैं देख नहीं सकूँगा, शरीर अंत हो गया, और कौवों से बचने के लिए वो फिर लटक गया नीचे रस्से के साथ, तो वहाँ बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगा कि हे प्रभु शरीर अंत होने को आ गया, तेरे दर्शन हुए नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जो सबका मालिक है, कबीर जी सतलोक से आए और उस रस्से को पकड़कर बाहर खींचने लगे। अब शेख फरीद जी ने सोचा कोई शरारती आदमी है और तेरे साथ मजाक कर रहा है, कहने लगा भाई, शेख फरीद कहने लगा ए भाई मुझे छोड़ दे, मेरे साथ मजाक मत कर, मैं अपना काम कर रहा, तू अपना काम कर। परमेश्वर ने कहा कि क्या काम कर रहे हो, कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ साधना कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं हूँ वो परमात्मा, मैं ये खड़ा, मैं भगवान हूँ, मैं अल्लाह अकबर हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। शेख फरीद कहता है कि मजाक मत कर भाई, छोटी मुँह बड़ी मात बात मत कहे, भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो बेचून है, निराकार है। अब परमात्मा बोले भले आदमी एक बात बता, एक तरफ तो तू कह रहा है कि मैं भगवान के दर्शनार्थ उसके दीदार के लिए साधना कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ तू कह भगवान निराकार वो दिखाई थोड़ा देता, फिर क्यों डले ढो रहा है कुएं में। कहते इतनी बात सुनते ही उसकी बुद्धि के सारे नट सीधे हो गए, वो उल्टे फिट कर रखे तो सीधे हो गए, तेरा गजब हो गया सचमुच, एक तरफ तो कह रहा हूँ भगवान निराकार है और फिर उसके दीदार के लिए दर्शन के लिए डले ढो रहा हूँ, न्यों के न्यों उल्टा लटके लटके ये वार्ता हो रही थी, परमात्मा रस्से से उसको पकड़ रही थी और वो बोल रहा था उल्टा लटका लटका, तो न्यों के न्यों पैर पकड़ लिए। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-59 में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भगवान कह रहा है कि ए पैगंबर, मैं तुझे तो ये ज्ञान दे रहा हूँ, कुरान शरीफ की दलील दे रहा हूँ, तो विश्वास करना। वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, जो सारा सुखदायक है, पाप नाशक है, और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछना, यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला वो अल्लाह परिचित नहीं है उस पूर्ण परमात्मा को पाने की विधि से और उसके तत्व ज्ञान से, तो इस बात का ज्ञान था उसने। अब इस कुरान शरीफ के इस ज्ञान का उसको पता था शेख फरीद जी को कि भाई अल्लाह नहीं है, यू कह रहा है अल्लाह अपने आप को, अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का बाखबर ज़रूर है। इसने तो एक सेकंड में मेरी सारी बात चौंद तोड़ दी, मेरा सारा शंका निवारण कर दिया, पैर पकड़ के ने बोला भाई हे महाराज मुझे यथार्थ ज्ञान बता दे। परमात्मा बोला भूखे मरण तो भगवान ना मिला है, प्रथम अंदर संयम रखा है, योग युगत सब सतगुरु वाक है, पहले अन्न का संयम से एक आहार करे, यानी गणा भी नहीं खावा जिसने दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूटे न नींद आ जा, और इतना भी नहीं खावा कि आंत मुस जा कमल भी मुद्दे हो जा और कति कोड्डा हो जा, नहीं, संयम से रोटी खाओ, घना भी ना खाओ और कति थोड़ा भी ना खाओ, व्रत भी मत रखो। और फिर उसको धीरे धीरे कहा कि तुम आहार करना शुरू कर, पहले फल फल खिलाए, जूस पिलाए, फिर उस ठीक होया, फिर अपने कुछ दिन अलग रखा कि मैं भी संत हूँ, फिर उनको नाम दिया जब वो मोक्ष अधिकारी हुआ।
तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है इन अज्ञानियों ने। अब किसी भी हिंदू भक्त के साधक ने पूछ लो, क्या तू क्या करता है कि मैं सुबह 2 घंटे समाधि लगाता हूँ? किस लिए? कि भगवान को देखने के लिए। भगवान कैसा है? क्या वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा देता। और विष्णु जी का उपासक, विष्णु जी की साकार मूर्ति, और फिर उसने पूछा भगवान कैसा है कि वो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता। तो हम सारे न्योड़ रखे, परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और हमारे जैसा हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा। तो वो भगवान स्वयं यहाँ आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82, मंत्र 1-2-3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96, मंत्र 16-20 तक, और भी बहुत जगह ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कि वो कबीर नाम कबीर देव परमात्मा ज्ञान देने के उद्देश्य से सतलोक से अपने निज धाम से चलकर वो ऊपर के मुक्ति धाम में तीसरे स्थान पर रहता है, वहाँ से चलकर नीचे आता है, वो कबीर वाणी द्वारा ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। तो परमात्मा भी कहते हैं चारों युग में हम पुकारे संत को कहा, चारों युग में संत पुकारे को कहा, हम हेल रे हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम तो इतना सुंदर ज्ञान देते हैं, हम तो इतना उत्तम ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा मोक्ष भी होगा और यहाँ भी सुख मिलेगा। इस संसार में रहोगे तब तक आपकी आपदाएं भी टलेंगी और आपके आने वाले कर्म का दंड भी खत्म होगा और यहाँ से पूर्ण मोक्ष होगा। और हमारी इस बात ने कोई नहीं मानता है। और फिर ये डले डोवे, जैसे आपको बताया कि कावड़ लेने जाते हैं, एक ही गांव के 20 आदमी मर गए और उन्होंने बयान दे रखा था कि भी आज के बाद कद्दे कावड़ लेने नहीं जान देंगे अपने गांव के आदमी ने, और जो गए हुए थे वो भी वापस बुला लिए, उल्टे आ जाओ हो रही से कावड़, देख लिया ये भगवान शंकर। अपने आत्मा, ये भगवान शंकर का दोष नहीं, ये दोष है इन अनाड़ियों का जिन्होंने ये गलत साधना बता दी। और इस मन की आदत है कि इसने कोई अच्छी बात बतावा कति नहीं माना, बकवाद का नहीं कति सपीड तन चल पड़े। यह आत्मा भी रोती है, क्या कहती है? मत दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी दिए बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। अब क्या बताते हैं कि आत्मा रोती है, कहती है भगवान मेरे को तो इस मन रूपी बहरे पति के साथ इस काल ने जोड़ दिया, इस बहरे काल के साथ मुझे जोड़ दिया। अब जैसे आप अपने साथी बहन भाई या किसी मित्र को बोलते हो कि भाई आजा सत्संग में चल लेंगे, और वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर अमृत वर्षा होती है, तुम ज्ञान सुनो एक बे, तुमने कहा कहा टाइम को ना भाई, टाइम को ना, फिर देखेंगे। अच्छा, फिर थोड़ी सी देर में कोई चर्चा करता है, वैसे ही दो भक्त कोई व्यक्ति खड़ा हुआ बोल रहा होता है कि वहाँ कंपटीशन हो रहा है। हरियाणा में एक कंपटीशन की बीमारी चली थी कुछ दिन पहले, 5-4 बच्चे इकट्ठे होकर रागनी गाया करते थे अभद्र और पूरी बकवादों के साथ, तो वहाँ कई कई पार्टियाँ उनके साथ उनके साजंदे सुरीली आवाज़ में रागनी गाया करते, यानी गाने बजाने करते थे, तो उसको कंपटीशन बोलते थे। तो कोई जिक्र कर रहा था आपस में, वैसे स्वाभाविक कह रहे थे अरे वहाँ कंपटीशन सुना है आ रहा है फलाने गांव में, उनके गांव से 10 किलोमीटर दूर। तो वो जो व्यक्ति सत्संग में आने से नाट्य था, टाइम नहीं है, वो उनकी स्वाभाविक बात सुनकर उनके पास पहुंच गया, अरे कहाँ आ रहा है उस कंपटीशन बताइए मैंने।
कित सी है, कौन कौन आवेंगे वगाणिए, और फट सुन के और छोड़ सारा काम, सारी रात पैदल चलकर वहाँ पहुँच जाएगा। और वहाँ सारी रात बैठा रहा रेत में, जाओ गधे बैठा करे उसमें बैठेंगे तल धरती में, हैं, और उन्हें बूंदी बूंदी बकवादे सुनेंगे, दांदरे काट जाओ, वाह भाई वाह कमाल कर दिया, के टट्टू कमाल कर दिया, ये बकवाद की तय सुन ले। तो इस मन की आदत है, इसने अच्छे काम का नहीं कहा जब तक इसका इसको समय नहीं, और बकवाद में ला दे कति खुश होकर और उसी में लग जाए। आप कोई साधना कर रहे हो और उस साधना को मना कर दें कि ये ना करो, ये शास्त्र विरुद्ध है, तो कति नहीं माना यो मन। और कोई मान लीजिए साल आसर जाता है, जैसे दास पहले डले डोया करता, हनुमान जी की पूजा करता था, या राजस्थान के अंदर एक चुरू जिला के अंदर साल आसर एक गाँव है, उसमें हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ काफ़ी लोग जाते थे, दास भी सुनी सुना किसी से चला गया। तो उस जैसे साल आसर कोई जाता है तो उसने कोई कह दे बालाजी में तो भाई कमाल है, वो बालाजी भी जान लग जाएगा। फिर उसने कह दे भाई वहाँ नीलकंठ पर कावड़ लेने जाते सारे ठाठ हो जाए, वो कावड़ लेने भी चला जाएगा, धक्के खान पैदल जाएगा। हैं, और कोई नो कह दे आ जा भाई बैठ जा, दोगड़ी भगवान की भक्ति सुन ले, चर्चा सुन, ये पूजा गलत है ये सुन, यो मन कति नहीं माने, बहरा हो जा करना पे गटाले। तो आत्मा रो रही है, क्या कह रही है कि परमात्मा मेरे को तो इस बहरे इस मन के साथ बांध दिया, मत दे दी है बालम बहरे नू, मत दे दी है बालम बहरे नू, मत दे दी है बालम दे दी है बालम बहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, ऊंची थड़ियां खेती वो ये भूल रहे नज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती वो ये भूल रहे नज डेरे नू, श्वेत छतर सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेरे नू, श्वेत छतर सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे 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 नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे 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 नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। अब क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चीने, कोई संभाविक भी कोई नहीं कह दे चल वहाँ पूजा करना चलाएंगे, कहते हैं वहाँ नीलकंठ पर फलानी जगह उस मंदिर का दौरे जट्टी का पेड़ है, उसके मनोकामना पूर्ण के लिए एक धागा बांध काते हैं,
और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए फिर उन्हें खोल कहते हैं। इस तरह की बकवाद मारी थी बरेखी है। अब किसी की होगी तो डरके खाना चला जाएगा, खोल लाओगा ना बन जा रहेगा, उन्हें कौन जा था। फिर एकाध की स्वाभाविक सूत बैठ जाओ, 20 साल और बिगाड़ दिया, भाई मैं तो वहाँ गया था, मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। और होता वो संस्कार पूर्व से। और यहाँ देखना आप भगवान आपके कितने सुख देगा। कहते हैं संसारी की आदमी की बात मान लेगा और ना जाने सतगुरु मैं रेनु, मुर्दा से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मैं रेनु, यानी कोई मर गया उसकी भूत पूजा श्राद्ध निकालना। कहते इन न पूजे, कोई संत मर गया उसकी यादगार बना दी, वहाँ धक्के खाओ माथा टेक के महाराज मेरी सुनिए, उस पर कुत्ते मुत्तो महाराज बैठे अड़े। तो कहते हैं मुर्दों से ती तयो यारी जोड़े मित्रता कर रहा है और ना जाने सतगुरु मेरे नो, यानी जो सारी ज्ञान दे साक्षात बोल रहे ज्ञान सुनावे उसने उस संत के पास ना जाता। फिर क्या बताते हैं कि ऊंची थलियां खेती वो में भूल रहे निज डेरे नो, ऊंचे ऊंचे स्थान जो होते हैं उन पर पहले वर्षा होती थी उस पर आधारित थे। तो जब ये वाणी बोली गई उसमें ये नहरें नहीं थी ना ट्यूबवेल सिस्टम था, वर्षा होगी तो खेती कर लिया करते थे। तो कहते हैं एक डहर होता है स्थान खेत, डहर वो होता है कि जो समतल होता है झील होता है, और वर्षा जब होती है ऊंचे थलियों पर का पानी भी नीचे आ जाता है उस डहर में सिंचाई करता है। तो डहर में जो फसल बीज दी जाती थी कई मन एकड़ की होती थी और ऊंची थलियों पर बीज बो दिया ऊंचे स्थानों पर, वर्षा होगी तो उग जरूर जाता है फिर सूख जाता है, दोबारा वर्षा होगी तो थोड़े बहुत दाने एक एकड़ में मान लीजिए 2 मन हो गए और डहर में हो जाए 70 मन। तो कहते तुम उस डहर को छोड़ के ऊंची थलियां पर खेती बोए बैठे हो, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा को छोड़कर जो आपको सर्व सुख दे, आपके पाप नाश करे, आपके आने वाली आपत्तियों को प्रारब्ध के पाप क्रम दंड का नाश करे, उस डहर रूपी भगवान पूर्ण परमात्मा को छोड़कर इन अन्य देवताओं रूपी थलियों पर खेती बीजे बैठे हो जिससे तुम निर्धन हो गए, तुम्हारा गुजारा भी नहीं हो रहा। ऊंची थलियां खेती वो में भूल रहे निज डेरे नु, और श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, ऊपर परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े गुम्बज में विराजमान है सतलोक के अंदर, और श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, परमात्मा एक मुकुट पहने हुए हैं और उनके ऊपर श्वेत एक छत्र है जैसे ये दास के ऊपर इन भक्तान बनवा रखा है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे नु, निराकार निराकार का गाटा जोड़ रहे हैं। कहते तुम देख ही नहीं सकते, देखो तो पता लगे कि हाँ परमात्मा साकार है मनुष्य सदृश है, क्योंकि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए थे अपने सतलोक में, फिर वहाँ से वापस छोड़े थे शरीर में। अब फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ओए है इस गंदे लोक में काल के लोक में कोई सुखी नहीं, ओए है यहाँ तो इतना सुख मान रहे हैं। एक आदमी के 3 बेटे थे, 2 मर गए एक्सीडेंट में और टक्कर मार मार रो सारा परिवार, 1 बच गया। उसी समय सांत्वना व्यक्त करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति भी आ गया जिसका 1 पुत्र था, वो भी 4 वर्ष पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो कति कोई उसका आगे वंश नहीं था। वो जब आया तो लोग कहने लगे सांत्वना जनाने वाले कि देख भाई क्यों बुरा हाल कर रखा है, तो सबके गेला बीते है, देख इस भगत के भाई का 1 का पुत्र था वो भी मर गया, अरे भी अपना टाइम पास कर रहा है, तो उन्होंने शांति सी होगी। अब उन्होंने इस बात की शांति होगी कि चोखा मेरे तो 1 तो बच गया, 2 मरे से इसका तो 1 था वो ही मर गया। तो हम इस दृष्टिकोण से इस तुलनात्मक तरीके से अपने आप को सुखी मान रहे हैं ना, 2 बेटे मर जाए माँ बाप सुखी हो सकता, सारी उम्र का दुख हो गया। तो क्या बताते हैं, किसी की टांग कट रही है, किसी की आंख फूट रही है, किसी कैंसर हो रही है, किसी की दोनों टांग कट गई है, कोई किसी चीज़ से दुखी या हाहाकार मच रहा है, पर इन 3 गुणों के द्वारा इतने प्रभावित है। इसी में कहते हैं
श्याम ने गुट्टी ला ली, दस मान ले दो एक दो वर्ष कोई आपत्ति ना आई तो भूल गया सारे, और फिर वही बकवाद। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इन ताप की तो इसी स्थिति हो रही है। जैसे कोई शराबी शराब पिए पड़ा जून के महीने में हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र में, और बाहर पड़ा कति रस्ते में रेत में पड़ा, पसीने आ रहे उसका बुरा हाल, मुंह में झाग आ रही, और उसको कोई उठाता है कि चल भाई तुझे उठा करके छाया में लिटा देता हूँ, खड़ा हो ले, बहुत पसीने आए हैं, वो कहता है छोड़ दे मौज आ रही है, क्यों ना बेरायकन तो कित पड़ा है पी के ओडंगे ने। तो ऐसे हम आज इस झूठे सुख को इस काल के लोक में श्याम ने गुटी लाड़ ना पाएगी, एक छोटी सी कार होगी नोको मौज हो रही है, और वह कार की तो एक्सीडेंट हो जाए सारी मौज खत्म। अब कहते हैं जैसे ये संसार समझ दाना ही कहंदा श्याम दोपहरे नो, हाय हाय दोपहर को कहते श्याम यानी ठंडा है, श्याम में ठंड हो जाती है ना गर्मियों में थोड़ी सी, कहते शिखर दोपहर में, दोपहर दो शिखर में सूर्य होती है, उस समय को यो नो कहे हैं कि श्याम है इस नशे में। कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी। अब जैसे कोई व्यक्ति कचहड़ियों में जाता है और कचहड़ियों में दूसरा उसका रिश्तेदार आ जाता है रिलेटिव, एंड से करते हैं और क्या हाल है अगमौज हो रही है, वो भी नुका अच्छा और ठीक है अगमौज हो रही है, कचहड़िया में मौज का कौन सा मेल, दोनों माँ दुखी और फिर भी नुका मौज हो रही है। तो कहने का भाव ये है कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, इसे महाकष्ट को भी ये मौज गिने बैठा है। और गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नु, ये मनुष्य जीवन और ये दास तत्वदर्शी संत परमात्मा ने भेज दिया, और ये अमर मंत्र अगर लेकर भक्ति नहीं करी कहते रोग इस समय को जैसे कुत्ता रोया कर ऊपर न मुँह करके। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहब जिसे अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर भी वो कहा जाता है, ये वो पूर्ण परमात्मा है जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना की, अपने ही वचन से सब ब्रह्मांडों की रचना की, और अपने ही शब्द शक्ति से हम सब प्राणियों की उत्पत्ति सत्यलोक में की थी। फिर हम अपनी नालायकी के कारण अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं। हम काल के जाल में कैसे फंस गए, सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए। पुण्यात्माओं कोई सौभाग्य है आपका, आपके युगों युगों के पुण्य आपके साथ हैं, आप कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहे हैं, जिस समय परमात्मा यथार्थ ज्ञान प्रचार करने के लिए स्वयं अपने धाम से चल कर आते हैं। उसमें आप अवश्य कुछ दिन मालिक की शरण में रहे हो, हमें तत्व ज्ञान ना होने से हम परमात्मा से विमुख शिखर हो जाते हैं, हमें कोई भी सिरफरा व्यक्ति आकर के दो इधर उधर की बातें अलग से बता करके हमें भगवान से दूर कर देता है। फिर वो कुछ समय के जो हमारे पुण्य होते हैं, जो परमात्मा की शरण में रह करके हमने जो साधनाएं की होती है सत मंत्र की, वो कमाई हमारी अत्यधिक हो जाती है, वो कमाई हमारी अत्यधिक हो जाती है, और वो जो भक्ति शक्ति है उसके कारण हम परमात्मा से दूर होकर भी सुखी रहते हैं, क्योंकि वो पुण्य हमारे साथ होते हैं जो परमात्मा की शरण में कुछ समय के लिए हमें करने का सौभाग्य मिला था। उसके कारण फिर हम परमात्मा से दूर होकर भी हम सोचते हैं कि हमने नाम भी छोड़ दिया, गुरुजी भी त्याग दिया, हम अब भी ज्यों के त्यों हैं, हमें कोई हानि नहीं हो रही है। तो आपको जब तत्व ज्ञान होगा उसमें पता चलेगा कि आपको सबसे बड़ी हानि तो ये होगी है कि पुण्य करने थे वो बंद हो गए,
आपके जो परमात्मा के संग रहने में कुछ दिन जो पुण्य बन जाते हैं, तो वो पुण्य के कारण आप हो सकता है एक या दो तीन चार दस बीस जिसकी जितनी पुण्य कमाई होती है मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अंत में फिर 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ता है। इसलिए आप जी को यहाँ बुलाकर ये दास ये चाहता है आपको इस तत्व ज्ञान से ऐसा रंग दूँ कि आप पहले की तरह फिर मार ना खाओ जैसे हम पहले धोखा खाते आए हैं। पहले हम क्यों धोखा खाते आए, क्योंकि हम स्वयं शिक्षित नहीं थे। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जुलाहा रूप में बनारस में 120 वर्ष रहकर चले गए, हमने उनको नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि उन नकली ऋषि गुरुओं महर्षियों ने हमें मूर्ख बना रखा था। वो ये कहते थे कि कबीर जी वेदों और पुराणों और गीता जी के विषय में कुछ नहीं जानते, ये झूठ बोलते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में गलत ज्ञान दे रहे हैं, सृष्टि रचना ये गलत बता रहे हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते, जिस कारण से ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकते। तो हमारे पूर्वजों ने जो अशिक्षित थे इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये बात तो सत्य है कि कबीर जी अशिक्षित हैं और संस्कृत भाषा नहीं जानते, सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, इसलिए हमने अपने भगवान पर विश्वास नहीं किया कि जो हमें आज ज्ञान दे रहा है, जो हमारे संग है, ये वो पूर्ण परमात्मा है। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की परिभाषा में, परमात्मा की कैटेगरी में, परमात्मा किस दृष्टिकोण से भगवान माना, किन किन को माना, जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया, किस आधार से माना, इस आधार से माना कि उन्होंने रावण को मार दिया, कंस को मार दिया और केसी को मार दिया, पुतना को मार दिया। दूसरा आधार हमने ये देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा के दो मुट्ठी चावल खा के, जो भुने हुए चावल लेकर गए थे सुदामा जी, और सुदामा जी का एक सुंदर महल बना दिया, इसलिए हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। और दूसरा हमने ये पॉइंट लिया कि श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, आरे से बीचों बीच उसको दो फाड़ कर दिया गया था, वो मर गया था लड़का, और भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको पुनः जीवित कर दिया था। तो हमने इस आधार से श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को समर्थ शक्ति मान लिया कि ये परमात्मा ही पड़े हैं, ये परमात्मा है, ये सर्वशक्तिमान है। और दूसरा लोकाधार से, दंत कथा के आधार से हमने इन अज्ञानियों से सुन सुनकर हमारे कान बहरे हो गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही सब ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। इसलिए हम इस काल के जाल में आज तक फंसे हुए हैं। पुण्यात्माओं विचार कीजिए, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के उस पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं अपने सतलोक से चलकर आकर के यथार्थ ज्ञान दिया था। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर 26-27 में आपको प्रमाणित करेंगे, दिखाएंगे कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने सतलोक से, अपने स्थान से चलकर आता है, जहां वो एक देश में रहता है। एक देशीय माने एक स्थान पर विराजमान जो प्रभु होता है उसको एक देशीय कहते हैं, यानी एक स्थान पर रहना, और उसकी पावर, उसकी शक्ति, उसका कंट्रोल ओवरऑल ब्रह्मांडों के ऊपर है। जैसे सूर्य एक देशीय होता हुआ अपनी निराकार उष्णता से उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी और अन्य ग्रहों और लोकों पर भी उसका असर है, उसका प्रभाव है,
वो अपना कार्य कर रहा है। और सूर्य प्रत्येक व्यक्ति के साथ भी नजर आता है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को ऐसा लगता है कि सूर्य मेरे साथ साथ चल रहा है। ऐसे परमात्मा एक देशीय होकर के अपनी निराकार पावर के साथ, निराकार शक्ति के द्वारा अनंत कोट ब्रह्मांडों को कंट्रोल किए हुए हैं। अब जैसे श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी ने तामर ध्वज को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया, लेकिन वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारे गए थे, जो कि पांडवों का इकलौता पुत्र था। सुभद्रा जो श्री कृष्ण जी की बहन थी उसका बेटा था। सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडवों का कुल नाश हो रहा था, पांचों पांडव रो रहे थे, श्री कृष्ण का भांजा मर गया, वो खुद भी रो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। इसे सिद्ध है कि समर्थ नहीं थे। हमने केवल एक ही पहलू से उनको समर्थ मान लिया कि मोर ध्वज के बेटे ताम्र ध्वज को जीवित कर दिया, आरे से कटवा गए। पुण्यात्मा ताम्र ध्वज की आयु शेष थी और इस शरीर के कटे हुए को जोड़ देना इनके बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी शक्ति है इनके अंदर, इसलिए ये प्रभु पद को प्राप्त है। लेकिन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था, तो श्री कृष्ण जी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी परम अक्षर ब्रह्म, वो आप जी की आयु भी बढ़ा सकता है। अपुनात्मा पांचवा वेद तो परमेश्वर ने स्वयं ही आकर बताया हमारे को। ये चारों वेद जो हैं इनको हम सदग्रंथ मानते हैं, और वेदों के बारे में शायद ही किसी नास्तिक की धारणा होगी कि वेद ठीक को ना, वेद ज्ञान अच्छा नहीं है, शायद ही किसी की होगी। वो तो फिर भक्ति के योग्य होता ही नहीं हो तो उसका कोई लेखा ही नहीं इस मार्ग में। तो चारों वेदों में परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी या अन्य गरीबदास साहिब जी और भी जिन महापुरुषों को मिले उनको आकर के स्वयं ही बताया था कि वेद मेरा भेद है, ये चारों वेदों में जो ज्ञान है ये मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, पर मैं ना वेदन के माही, यानी मेरे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही, और जिस वेद से यानी जिस ज्ञान से मैं मिलूं, मेरी प्राप्ति हो, मेरे से मिलने वाले लाभ प्राणी को हो, वो विधि इन चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की गाई है, जैसे गीता जी चारों वेदों का निष्कर्ष सारांश है, उसमें भी ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के विषय में जानकारी है, ऐसे ही चारों वेदों में ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के बारे में जानकारी है। ब्रह्म सत्र का ज्ञान, ब्रह्म सत्र की भक्ति विधि लिख रखी है, लिखी हुई है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम मनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, और इसमें सभी इन प्राणियों को खाने के लिए अब परिवर्त हुआ हूँ, अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले भी जमान थे, श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे गीता, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है, कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक ओम अक्षर है, और इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे से मिलने वाले यानी ओम के नाम से जितना अमृतत्व प्राप्त हो सकता है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में
जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत ये प्राणी केवल जरा और मन से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यानी यह संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता। वो केवल बुढ़ापे वाले दुख से और मृत्यु के दुख से डरकर वो इनसे छुटकारा पाने के लिए ही कोशिश करता है। तो वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, उसका उत्तर दिया है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञान दाता से और है, वो सुप्रीम पावर है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरा स्मरण कर, जैसा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया उस मंत्र ओम से, और युद्ध भी कर जिससे तुम मुझे ही प्राप्त होगा। फिर परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के का केवल ओम तत् सत, उसको पाने का, उससे मिलने वाले लाभ प्राप्त करने का ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का, साधना का केवल ओम तत्सत ये तीन मंत्र का जाप है, ये निर्देश है, नथिंग एल्स, यानी यही करना है और मंत्र कोई नहीं पूजा का। ओम ये ब्रह्म का जाप है और तत् और सत ये गुप्त है, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पे वर्तमान में दूसरे को अधिकार नहीं है ये दो अन्य मंत्रों के दान करने का, उनको ज्ञान भी नहीं है। यदि किसी ने इस दास से नाम लेकर के बगावत कर भी दी और वो नाम देने लग गया तो महापापी है, अपराधी प्राणी है, उसको अधिकार नहीं है। और वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है। तो तत् जो है ये अक्षर ब्रह्म का है, अक्षर ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म, शुद्ध संस्कृत में या हिंदी में क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म कहो, इसने सर्वपुरुष कहो या इसको काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ओम मंत्र है। और इन तीनों भगवानों की साधना से हम यहाँ से छूट पाएंगे, इन तीनों भगवानों के इस मजदूरी से। अब साधना तो एक मजदूरी होती है और पूजा अलग होती है। एक तो पूजा होती है, एक आदरणीय होते हैं, एक पूज्य होते हैं। आदर और पूजा में बहुत अंतर होता है। अब जो प्रसंग चल रहा है पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आदर और पूजा के विषय में आपको बताएंगे। तो ओम मंत्र है ये सर्व ब्रह्म का है, इस काल का है, और तत् ब्रह्म ये गुप्त है, ये दास बताएगा, उसका कोड वर्ड है ये, वो अक्षर ब्रह्म का है। और सत जो मंत्र है ये भी कोड वर्ड है, ये दास बताएगा, ये सांकेतिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो ब्रह्म और परब्रह्म की तो हम मजदूरी करेंगे इस मंत्र की, जो सतनाम बनता है ब्रह्म का ओम मंत्र और परब्रह्म का यानी अक्षर ब्रह्म का ये तत् मंत्र जो ओरिजिनल मंत्र है, इन दोनों का एक ग्रुप बनता है और ये दोनों मिलकर सतनाम कहलाते हैं। दो अक्षर का ये सतनाम बन जाता है। तो इनकी सिमरण की विधि भिन्न भिन्न है, इकट्ठी नहीं होती। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।